नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई शनिवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अगर आपका बैंक खाता है और उसमें नॉमिनी नहीं है तो आप जल्द से जल्द बैंक शाखा में जाकर अपने खाते व अन्य दस्तावेजों में हर हाल में नॉमिनी जुड़वाएं ताकि आपको या परिवार को बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ, कोरोना काल में हो रही मौतों के बाद बैंकों से यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो उपभोक्ताओं ने अपने खातों में नॉमिनी नहीं बनाए थे, अब नॉमिनी नहीं होने के कारण उनके परिजनों को चक्कर काटने को मजबूर होना और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है जो उनके दर्द को बढ़ा रही है। इधर RBI ने तमाम बैंकों को यह आदेश जारी किए हैं कि सभी बैंकर्स अपने खाता धारकों को यह अनिवार्य रूप से जानकारी दें कि उनके खाते में नॉमिनी है या नहीं। नॉमिनी नहीं होने की स्थिति में सबसे पहले खाते में नॉमिनी जुड़वाएं ताकि बाद में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। झुंझुनू जिले के BDK अस्पताल में कार्यरत नर्स के खाते से पैसे पार किए जाने की जानकारी सामने आई है। नर्स प्रेमलता कटेवा ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नर्स ने रिपोर्ट देते हुए पूरब में अस्पताल में काम करने वाले युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने फर्जी चेक और हस्ताक्षरों से उसके खाते से 9,80,000 रुपये पार कर लिए। बैंक में भी इसी युवक ने पैसे निकालते समय अपनी ID दी थी। वही बैंक पर भी बिना कोई पुख्ता जानकारी के कैश देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं का म्यूजिक देने वाले 79 वर्षीय संगीतकार राम लक्ष्मण यानी विजय पाटिल का नागपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और शनिवार को उनको आखिरी सांस आई। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय काशीनाथ पाटिल था। उन्होंने करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया था। इनमें हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्में शामिल रही। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में उन्हें खास पहचान दिलाई थी। उससे पहले विजय पाटिल को इंडस्ट्री में लेकर आए थे दादा कोंडके, जिनकी मराठी फिल्मों से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। फिर दादा कोंडके की कई हिंदी फिल्मों में भी विजय पाटिल ने संगीत दिया। राज्य के स्कूलों में 6 जून को गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, लेकिन अब 21 जून तक धारा 144 को फिर से लागू करने और कोरोना बीमारी के चलते 7 जून से स्कूल फिर से शुरू नहीं हो सकेंगे। वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रदेश में रोजाना 8 से 10 शिक्षकों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। ऐसे में कोरोना के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नया सेशन भी ऑनलाइन के सहारे ही चलता नजर आ रहा है। राज्य में पहली से पाँचवीं कक्षा तक के स्कूल गत वर्ष 15 मार्च से बंद हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना बाड़ी क्षेत्र के मत्सुरा के पास एक टूरिस्ट जिप्सी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं युवक के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दे दी है। महिला के गर्भ में 3 भ्रूण पल रहे हैं। 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने का संभवतः देश में यह पहला मामला है। JJ अस्पताल के एक विशेषज्ञ पैनल ने गर्भ को गिराने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। कहा था कि यह गर्भ मां की मानसिक हालत के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस शाहरुख काठवाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की पीठ ने एक मानसिक समस्या से पीड़ित 41 वर्षीय महिला और उसके पति की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कहा गया कि महिला के गर्भ में 3 भ्रूण पल रहे हैं जिनमें स्वस्थ न होने के चलते गर्भपात की इजाज़त दी जाए। कोटा जिले की मंडी में किसानों द्वारा हंगामा और खरीद केंद्रों पर तोड़फोड़ करने के मामले में मंडी FCA प्रबंधन की ओर से अनंतपुरा थाने में किसानों के ऊपर समूह बनाकर खरीद केंद्र पर हमला बोलने की शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मंडी में माल भीगने के बाद किसानों ने हंगामा करते हुए खरीद केंद्रों पर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप देश भर में जारी है। कोरोना संकट में लोगों की ढाल बने डॉक्टरों की भी जान गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टरों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा दिल्ली के 100 डॉक्टर की मौत हुई है। इसके अलावा बिहार में 96, UP में 41 डॉक्टरों की कोरोना के चलते मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 26, असम में 3, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15, मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टरों की जान गई है। सबसे कम पंजाब व पुडुचेरी में है, यहां 1-1 डॉक्टर की मौत हुई है।
बाद में जिले के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को बरामद किया है। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए की है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, उसे पकड़ने के लिए पुलिस को सूचना दी गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।